अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू आर डूइंग गुड। सो जनाब, आज की वीडियो ये थी कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ क्यों लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है और ETC इस तरह से। तो जनाब, पहली बात तो ये कि जो ये इंटरव्यूज़ वाला सीन है, पिछले कुछ सालों में नहीं था, ये लास्ट 2 सालों में शायद मेरे ख्याल से इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया कि जब कोई बच्चे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो उन बच्चों का जो है आप इंटरव्यू लें। और अब कमिंग ईयर में उन्होंने उसके साथ मार्क्स भी रख दिए, जैसे अब FMH वाले हैं, उन्होंने 10 मार्क्स रखे हुए हैं इंटरव्यू के साथ। तो उसमें उसकी डिटेल्स मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे, और इसी तरह की किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करो जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि इस इंटरव्यू का मकसद क्या है। ऐसा है कि पहले जब बच्चे एडमिशन्स लेते थे तो मेरिट की बेस पे या फिर सेल्फ फाइनेंस किसी तरह से भी जो है वो बच्चे एडमिशन ले लेते थे और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते थे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो आप जिनको कह सकते हो कि बहुत बोल्ड माहौल और मतलब अच्छे मेच्योर लेवल के जो होते हैं ना, वो डॉक्टर्स बन जाते थे। ठीक है, वेल फाइन, ओके, हो गया। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि इतने ईजीली किसी भी न्यू जगह पर सेट नहीं हो सकते थे। उनको मतलब थोड़ा सा उनको शाय फील होता था कि किसी फीमेल से बात करते हुए, मेल से भी बात करते हुए कभी कभी जो है उनको शाय फील होता था। सो इस तरह के जब डॉक्टर्स बनते थे तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कमी आती गई कि ऐसे डॉक्टर्स, क्योंकि पेशेंट के साथ तो आपको किसी तरह की भी बात करनी पड़ती है कोई भी हो। तो उन्होंने फिर ये चीज़ की कि इस चीज़ को जो है ना हमें ख़त्म करना है। बेशक नंबर जितने मर्जी 1100 में से 1100 नंबर हैं बच्चे के, लेकिन हम लोगों ने जो है इंटरव्यू कंडक्ट लाजमी करना है। क्योंकि जो किताबी कीड़े बच्चे होते हैं ना, वो यही करते हैं, मतलब वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब और बस इस तरह को। लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मतलब फेस करने वाले होते हैं, अगले से बात करनी जानते हैं, किस तरह से बात करनी है, रिप्लाई किस तरह से देना है और ये वो, ठीक है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो ये निकालते हैं कि इन बच्चों के पास ना मतलब मटीरियल होता है, ये प्रेजेंट माइंड बच्चे होते हैं, फटाफट टक करके जवाब इनके पास होगा, इनको सोचना नहीं पड़ेगा, अच्छा वो ये फलाना ETC। ये रीज़न होता है इंटरव्यू का। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। या देखो, इंटरव्यू में ना वो आपको ये नहीं कहेंगे आप FSC देख के आओ, तब हमें FSC के क्वेश्चंस बताने शुरू कर, जो हमें बायोलॉजी के बारे में बताओ, ये वो फलाना, कुछ भी नहीं ऐसा होता। इंटरव्यू में वो सबसे पहले जो मेन चीज़ वो आपकी देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। अगर आप उनके सामने ढीले ढाले बन के बैठोगे और बस बात से बात करोगे ना, तो वो मतलब वहीं से वो जज कर लेंगे आपको कि आप जो हो ना बस ठीक हो, डम्ब स्टाइल हो बच्चे जो बैठे होंगे। और जो 90 डिग्री के एंगल पे जो बच्चे बैठेंगे ना उनके सामने जाके, वो उनके लिए जो है ना उनसे फिर क्वेश्चनिंग करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, वो आपका नाम पूछ सकते हैं, आपके फादर का नाम पूछ सकते हैं, आपके फादर क्या करते हैं ये पूछ सकते हैं, FSC में कितने मार्क्स थे ये पूछ सकते हैं, या वो आपको ये कह सकते हैं डिस्क्राइब योर सेल्फ इन योर वर्ड्स, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप उसमें अपने अपना नाम बताओ, फादर का नाम बताओ, अपनी हॉबीज़ बताओ कि मैं ये करती हूँ, मुझे ये करना पसंद है, या वो इंडिविजुअल ऐसे भी एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। तो इसमें एक बेसिक चीज़ ये थी कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि आप उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आप उधर एंटर हो जहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है, सिटिंग अरेंजमेंट जो भी हो, उनसे परमिशन ले के एक तो एंटर हो कि सर मैम मे आई कम, और जब आप उधर उनके पास खड़े हो तो उनसे परमिशन लेके बैठो, मैम मैं आई सिट और वट एवर जो भी, अगर वो आपको आपको जाके बैठ रही हूँ, उन्होंने कहना बस ये बंदा फारिग है। सो आपको ये 2-3 बेसिक चीज़ें का ध्यान रखना है। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है वो आप लोगों को किस तरह की वेयरिंग करके जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा चमक चमक वाली चीज़ें जो होती हैं वो उनको उनसे जो है बिल्कुल एहतियात करना, वो चीज़ें मत पहन के जाना। लाइक अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हो तो ऊपर हिजाब अगर कर रहे हो तो चादर या शॉल जो भी है उसको एक शोल्डर के साइड पर रखो और आप जा सकते हो। और शूज़ अगर आप पहन रहे हो तो पैंट को इतनी, पैंट और शर्ट अगर आप पहन रहे हो टॉप के साथ तो इतनी टाइट फिटिंग में मत पहनो कि सारा मतलब इंडिविजुअली जैसे भी नज़र वगैरह नज़र पड़े आप लोगों पर। जैसे अब रेशमी कपड़े हैं, सिल्क कपड़े हैं, ये वो मतलब जो आपकी बॉडी पार्ट्स को जो है ना थोड़ा प्रोमिनेंट करें ना, उनसे थोड़ी एहतियात करना कि वो ना पहन के जाओ आप। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे जब आप बैठते हो ना, उन लोगों को पता होता है कि FSC माइंड के बच्चे हैं, FSC अभी देखे हैं, रिसेंटली अभी यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे, तो वो आप लोगों से इतने ही क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको मतलब आप अगर कोई थर्ड, अब ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि अगर आप किसी सेकंड स्ट्रेंजर से मिलो तो आप उससे कैसे बिहेव करोगे,
इस तरह की बातें पूछ सकते हैं वो आपसे, क्योंकि पेशेंट्स जितने भी डॉक्टर्स के पास आते हैं वो सब स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, कोई किसी को नहीं जानता। तो ये कहेंगे कि अगर आपके पास एक स्ट्रेंजर आया तो आप उसको किस तरह मिलोगे, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर आपसे रास्ता पूछ रहे तो आप उसको किस तरह से गाइड करोगे, इतने क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपको। वो ये नहीं कहेंगे कि बेटा हमें केमिस्ट्री में मीथेन का फॉर्मूला सुनाओ, फिजिक्स में मोमेंटम का फॉर्मूला सुनाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी जो मेन आपको ध्यान रखना है, एक अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, 90 डिग्री के एंगल पर रहना है, आपको एंगल ही चेंज करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ठीक है। और थर्ड चीज़, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो आपको जो भी पूछना आपने बस उसका जवाब देना, गलत सही वो छोड़ देना, आप सोचने बैठ जाओ अच्छा मैं इसका जवाब दूंगी, माइंड ना कर दें, ऐसा नहीं होना, घबराना नहीं है, जो वो पूछे आपको बस जवाब आना चाहिए उसका, बस उन्होंने यही चीज़ देखनी होती है। वो ये जज करने नहीं बैठे होते कि हम इसकी बात का माइंड कर दें, हम इसकी बात पकड़ लें, ऐसा नहीं है, वो जस्ट आप लोगों को चेक कर रहे होते हैं कि आप लोग आगे आगे फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में आने वाले बच्चे हो या नहीं हो। अगर आप नहीं होंगे तो आपको वही कह देंगे, या फिर आपको कह देंगे बेटा बॉडी लैंग्वेज आपकी इस तरह की है, आप थोड़े बर्गर स्टाइल बेबी हो, बर्गर स्टाइल है या कुछ भी हो आप, तो आपको कह देंगे कि आप मतलब थोड़ा या नेक्स्ट ईयर अपने आप को इम्प्रूव करो, वट एवर जैसे भी वो होता है। तो ये तीन चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। और एक मेन चीज़, अगर आपको इंग्लिश, आपको खुद पर यकीन है कि आप फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप सर या मैम के साथ जो है इंग्लिश में बात करो, ये ना करो आधी उर्दू आधी इंग्लिश में। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर डाउट है ना कि नहीं यार मैं बीच में अड़ जाऊँगी या मैं भूल जाऊँगी या मेरे से बात नहीं होगी, तो आप इजी होकर उनसे उर्दू में बात करो। वो ये नहीं कहेंगे कि बेटा आप हमारे सामने आए हो आप ब्रिटिश इंग्लिश में बात करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जस्ट आपको कहें आप, उन्होंने बस 3 से 4 चीज़ें चेक करनी है आपकी, इसके अलावा वो कुछ चेक नहीं करेंगे आपका, इसी के वो नंबर दे देंगे और इसी के बेस पे जो है वो आपको एडमिशन आगे दे देंगे, इससे ज़्यादा और क्या काम, और कुछ भी नहीं था। असल में ये रात को रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, सो मैंने कहा चलो मैं इंटरव्यू के लिए आपको चीज़ें बता देती हूँ मेन मेन, क्योंकि अभी कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन दे रही हैं, और जो एडमिशन दे रही हैं वो वहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ जो है वहाँ पे हो रहे हैं, तो वो फिर इंटरव्यूज़ में जज करते हैं ये बच्चा आगे जा सकता है या नहीं जा सकता, इस तरह से होता है। पहले कुछ सालों में बच्चे ऐसे भी डॉक्टर्स बने हैं जो मतलब स्ट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा अपने मतलब से मतलब रखने वाले, यहाँ तक कि अपने पेशेंट से भी बात करने में शाय फील करते हैं वो लोग। तो इन चीज़ों को ना सामने रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ में ये बात मतलब आगे न्यू आई के जो हैं जो बच्चे अब न्यू एडमिशन्स के लिए आएंगे उन सब का जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने का अंदाज़, उनकी ETC, उनकी हरकतें, सब कुछ जो है ना आपके मोमेंट्स, आपकी बात, आपकी ये सब कुछ वो नोट की जाए और उस पर जज किया जाए कि आप आगे जो है प्रोफेशनल लेवल पर आ सकते हो या नहीं आ सकते। सो बस इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको जो है ये 4-5 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जो है ना वहाँ पे आपको जाके कोई घबराहट ना हो, आपको कोई टेंशन ना हो। और सेकंड और एक और चीज़, जब आप वहाँ जाके सामने जाके उनके बैठो या खड़े हो ना कंटिन्यूसली, कुछ मतलब लोगों में आदत होती है हाथ मुँह में रखने की, हाथ ना मुँह में रखना, मतलब बिल्कुल ईजी होके बैठना, जैसे आप लोग अपने घरों में या किसी फ्रेंड से या टीचर से वट एवर जिस तरह भी बात करते हो ना, आपको बस उस तरह से बात करनी है कि आप इजी हो बिल्कुल, उनके सामने हाथ मुंह में डाल के बैठ जाओ ना, या नेल बाइटिंग शुरू कर दो या फिर अपनी टांग हिलाओ, लेफ्ट लेग हिलाओ या राइट लेग हिलाओ, तो वो उनको पता चल जाएगा कि ये बच्चा कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज तो किसी सूरत नहीं होना आपको, बस ईजी होना जाके जवाब देने हैं। और अपनी मेन थिंग अपनी बॉडी लैंग्वेज सीधी रखनी, आपको ना बिल्कुल स्ट्रेट अपनी बैकबोन को सीधा करके उनके सामने बैठना है, चेयर के साथ टेक लगा कर नहीं बैठना, चेयर हो बेंच हो जो भी हो, चेयर अगर है तो आपको टेक किसी सूरत नहीं लगानी है, इजी होकर उनके सामने बैठो। और ये भी नहीं कि इजी होकर बिल्कुल चेयर पर लेट जाओ, ऐसा भी नहीं करना, बस आपको अपने आप को सीधा रखना है। और बाकी अगर मतलब फीमेल जब जाएँ तो इतना ज़्यादा मेकअप भी ना करके जाओ कि अगला बंदा कहे चलो भाई आप मेकअप से फारिग हो जाओ, ऐसा नहीं करना, मतलब बहुत लाइट सा जैसे नॉर्मल कैजुअल एक होता है मस्कारा हो गया और एक लाइट सी लिपस्टिक हो गई, इनफ है ये इंटरव्यू के लिए, बहुत है ये। और अगर आप हिजाब कर रहे हो तो हिजाब के कलर लाजमी देख लेना, क्योंकि ये जो कलर स्कीमिंग होती है ना ये भी इंसान के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है कि कलर स्कीमिंग अच्छी है इस इंसान की। सो बस इतना ही, होप सो जिसने मुझसे ये वीडियो की रिक्वेस्ट की होगी उसको समझ लगी होगी, अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगी या किसी और को समझ नहीं लगी इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो डू मस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।